नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज जो बात करने जा रहे हैं ना, वो बात करने जा रहे हैं डॉग बिजनेस के ऊपर। यानी कि दोस्तों आज के टाइम के अंदर आप सभी जानते हैं कि डॉग जो बिजनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। और इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज के टाइम के अंदर डॉग बिजनेस से है ना, काफ़ी लोग जो है लाखों रुपया कमा भी रहे हैं। और आप भी क्या है कि इस डॉग बिजनेस को करके लाखों रुपया कमा भी सकते हैं। आज मैं आपके सामने पूरा का पूरा प्लान लेके आया हूँ, यानी कि दोस्तों डॉग की केयर से लेकर डॉग बिजनेस और डॉग सेल कैसे करना है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल्स आज है ना, मैं सारे पॉइंट्स आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको क्या है कि बस एक काम करना है कि आपको कोई भी पॉइंट है ना स्किप नहीं करना है, यानी दोस्तों छोड़ के नहीं जाना, और वीडियो को है ना शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। और लास्ट तक देखते देखते है ना आप डॉग बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी पा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने ये जानकारी लेकर आपने डॉग बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो ये मेरी गारंटी है आप एक सफल ब्रीडर बन जाएंगे इस डॉग बिजनेस के अंदर। तो डॉग बिजनेस के अंदर दोस्तों एक डॉग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको क्या है कि आप शौक के साथ साथ दोस्तों डॉग जो पालते हैं हर कोई अपने शौक से पालता है, यानी दोस्तों पेट से एनिमल से आपको अगर प्यार है, आपको लगाव है, आपको अच्छा लगता है उनकी केयर करना, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट बिजनेस है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है पेट्स में, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर ना सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है एनिमल्स के अंदर, पेट्स के अंदर, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ घुल मिलकर रहने में, तो दोस्तों आप क्या है कि इस बिजनेस के अंदर है ना लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको पॉइंट का, हर एक पॉइंट्स का आप लोग काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, तब कहीं जाकर आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो दोस्तों आज सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि डॉग को रखे कहाँ, किस जगह पर रखें। तो दोस्तों इस बिजनेस के ना यही खासियत है कि छोटी सी जगह से ना आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इस बिजनेस को ना कर सकते हैं। तो आप क्या है कि टेंशन मत ले जगह की, आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, या फिर दोस्तों गांव के अंदर आपका घर है तो वहां पर भी आप रख सकते हैं। डॉग केज वगैरह आती है, अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि हाँ डॉग इधर उधर घूमेंगे, तो इसके लिए क्या है कि डॉग केज आती है, उनके अंदर आप डॉग्स को रख सकते हैं और सुबह शाम आप क्या है कि थोड़ा सा उनको घुमाने भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद डॉग केज के अंदर आप क्या है कि इस बिजनेस को कर सकते हैं। डॉग केज आपको आसानी से मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से जाकर भी आप बाय कर सकते हैं। तो रखने की तो आप टेंशन मत ले। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके पास जगह अलग से कोई जगह पड़ी है तो फिर तो और भी बढ़िया है, वहां पे क्या है कि शेड्स वगैरह लगवाकर इसके साथ साथ दोस्तों अलग अलग पार्टीशन आप डॉग के लिए बनवा सकते हैं, उसके अंदर जाली वगैरह लगवाकर आप बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना गूगल करके देखेंगे डॉग शेड का, तो आपको इजीली वहां पे क्या है कि आपको फोटोज वगैरह दिखाई दे जाएगी, उस तरह की आप क्या है कि शेड्स बना सकते हैं। वैसे साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि डॉग जो है ना वो काफी छोटी सी जगह में भी आप उनको क्या है कि अच्छे से आप रख सकते हैं, बट उनको क्या है कि सुबह से हम आप घुमाने जरूर ले जाइएगा दोस्तों, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अब आता है पॉइंट आता है कि बाय क्या, कौन से डॉग बाय करें। अब ये डिपेंड करता है आप पर, आपकी जगह पर, ठीक है। आपको क्या है कि थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। आपको क्या करना होगा, जो भी पेट शॉप है आपके आसपास में, या अगर आप गांव से हैं तो आप शहर वगैरह में जाकर, या फिर दोस्तों गांव में भी आप आसपास में रिसर्च कर सकते हैं कि आसपास में कौन सी ब्रीड्स ज़्यादा हैं, कौन सी ब्रीड डॉग ब्रीड आपके आसपास में ज़्यादा है, तो वो रिसर्च कर लीजिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका मन क्या कहता है, आपका किस डॉग ब्रीड के अंदर इंटरेस्ट है। कुछ का इंटरेस्ट होता है स्मॉल डॉग ब्रीड पे, कुछ का होता है मीडियम डॉग ब्रीड्स पे, कुछ का होता है जियांट डॉग ब्रीड होती है उस पे, कुछ का होता है लार्ज पे, यानी दोस्तों आपका जिस भी डॉग ब्रीड का मन है, नहीं छोटी से लेकर, कुछ का होता है टॉय भी आती है, टॉय ब्रीड्स भी आती है, अगर आप भी उनमें इंटरेस्ट है तो आप टॉय ब्रीड रख सकते हैं, स्मॉल ब्रीड रख सकते हैं, मीडियम ब्रीड रख सकते हैं, लार्ज जियांट, जो भी आप ब्रीड रखना चाहते हैं वो आप ब्रीड रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्वालिटी कैसे चेक करनी है। मान लीजिए आपने कोई भी डॉग लिया, एक डॉग मैं बात करता हूँ पोमेरियन की, भाई पोमेरियन जो टॉय पोमेरियन होता है तो उसकी खासियत क्या होती है, खासियत क्या होता है। टॉय पोमेरियन आपको दिखाई देते होंगे, टीक का पोमेरियन अलग होते हैं, मिनी पोमेरियन जिनको बोलते हैं, जो कि आपने व्हाइट व्हाइट देखे होंगे, काफी अच्छे क्यूट से लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो अलग है, उनको क्या है कि इंपोर्ट करवाना पड़ता है बाहर से, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट की बात आती है तो आप डॉग को ना इंपोर्ट भी आप करवा सकते हैं बाहर से, यानी कुछ ऐसी ब्रीड्स होती है जो कि काफ़ी अमेरिका की है, इंडोनेशिया की है, चाइना में है, या फिर दोस्तों कहीं भी है, तो उनको आप इंपोर्ट करवा सकते हैं अपने पास,
ठीक है। तो इम्पोर्ट्स डॉग भी आप रख सकते हैं, इसमें क्या है कि आपको शो क्वालिटी अच्छी सी मिल जाती है। आप क्या है कि क्वालिटी आप कैसे चेक करें डॉग्स की, आप डॉग्स हर एक ब्रीड की है ना अलग अलग क्वालिटीज होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ टॉय पोमेरियन की, ठीक है। टॉय पोम जो ब्रीड्स होती है काफ़ी प्यारी सॉफ्ट सी क्यूट सी ब्रीड होती है, स्मॉल ब्रीड होती है बिल्कुल ही, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो टैल होती है ना, जो पूंछ होती है वो बिल्कुल पीछे की साइड बैक की साइड ना बिल्कुल चिपकी होती है, और नोज बिल्कुल छोटे होते हैं और आंखें पॉइंटेड होती है, नोज आंखें बिल्कुल पॉइंटेड होती है और छोटा सा एक नोज होता है, छोटा सा नोज होता है, ठीक है। और बाल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं बाल इनके, इनका कोट जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और ये है ना काफ़ी क्यूट लगते हैं जब ये चलते हैं ना टुक 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 टुक, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो ऐसे क्या है कि आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं इसी तरह से। अब अलग अलग डॉग ब्रीड की अलग अलग क्वालिटी होती है, वो भी आप है ना अलग से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा, जब भी आप डॉग बाय करने जाएं तो क्वालिटी जरूर चेक कीजिएगा, पप्पी की क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर, आप सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है भी। आपने शो क्वालिटी होती है, एक तो होती है शो क्वालिटी लाइन होती है, एक वर्किंग लाइन होती है, यानी दोस्तों शो क्वालिटी जो होती है ना वो देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फ्लफी लगते हैं, या फिर दोस्तों देखने में ना ऐसा लगता है कि हाँ क्यूट है डॉग ये। और एक होता है वर्किंग, यानी दोस्तों जिनको सिर्फ रखा जाता है भौंकने के लिए या फिर दोस्तों शिकार के लिए पाला जाता है, तो वो होती है वर्किंग लाइन। अब शो क्वालिटी के अंदर बात की जाए तो जैसे टॉय पोमेरियन हो गया, पग हो गया, इसके अलावा जो है छोटे छोटे जो अलग अलग ब्रीड्स आती है उनको आप रख सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग लाइन के अंदर आप क्या है कि जर्मन शेफर्ड हो गया, इसके अलावा हस्की हो गया, इसके अलावा जो है पिट बुल हो गया, बुल्ली हो गया, पाकिस्तानी बुल्ली हो गया, अमेरिकन बुल्ली हो गया, ये वर्किंग लाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनमें भी वर्किंग लाइन के अंदर भी शो क्वालिटी आती है, ये भी आप बात करें ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्शन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आसपास में रिसर्च करनी है आपने भी, आपके आसपास में कौन सी ब्रीड्स की फीमेल ज़्यादा है और मेल कितने हैं उनके, ये थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी। ये पेट शॉप से है ना, आपके आसपास में कोई भी पेट शॉप है, ब्रीडर्स हैं आसपास में, उनसे आप जाकर बातचीत करेंगे ना तो आपको लॉजिकली अच्छे से आपको पता चल जाएगा भी कौन सी ब्रीड आपके आसपास में है। तो वैसे ही आप ब्रीड्स लेके आ जाते हो, कौन सी ब्रीड ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपके आसपास में आसपास में लेब्रा ज़्यादा था और लेब्रा की काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, तो आप लेब्रा रखेंगे तो आपकी क्या है कि अच्छे क्वालिटी का लेब्रा रखेंगे ना आप, तो आपके लेब्रा काफ़ी ज़्यादा बिकेंगे। अब मान लीजिए आपकी जो आसपास में जो परचेज करने वाले हैं उनका इंटरेस्ट लेब्रा में था, लेकिन आप कोई बुल्ली वगैरह ले आए, तो वो बुल्ली तो आपका सेल ही नहीं होगा, आपका बिजनेस तो चल नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी, रिसर्च करने के बाद ना ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। वैसे क्या है कि मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, स्मॉल जो ब्रीड होती है ना, स्मॉल ब्रीड जो भी होती है वो लगभग क्या है कि हर एक एरिया के अंदर उनकी जो डिमांड ना रहती रहती है। स्मॉल ब्रीड के अंदर काफ़ी सारे ब्रीड्स हैं, जैसे पग हो गया, पोमेरियन हो गया, इंडियन स्पिट्स हो गया, इसके अलावा लेब्रा हो गया, इसके अलावा बीगल हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी गोल्डन रिट्रीवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं जो कि स्मॉल आती है, तो इनकी डिमांड तो लगभग क्या है कि आपको मिल ही जाएगी आसपास में आपके, तो इनको आप रख सकते हैं। सिलेक्शन आपको करना है अच्छी क्वालिटी का, आपने जो है डॉग रखना है। आप किस लाइन में काम करना, वर्किंग लाइन के अंदर काम करना चाहते हैं या फिर शो क्वालिटी के अंदर काम करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं तो कहूँगा कि शो क्वालिटी पे आप है ना ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे वर्किंग लाइन भी अच्छी है, वर्किंग लाइन भी आप ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, वर्किंग लाइन भी अच्छी है, पर लेकिन मेरे जो है ना तजुर्बे से मैं कहूँ ना एक्सपीरियंस से, तो दोस्तों शो क्वालिटी है ना आपके लिए बेटर रहेगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों अब बात आती है कि डॉग ब्रीड्स कौन कौन सी हैं। डॉग ब्रीड्स अगर आप मान लीजिए एक ब्रीडर हैं या फिर दोस्तों आपको पहले से पता है डॉग ब्रीड्स, तो फिर भी मैं एक बार बता दूं क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने वाले बिगिनियर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आता है टॉय पोमेरियन, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद किए भी जाते हैं। इसके अंदर टॉय पोमेरियन, पोमेरियन हस्की, पिटबुल, लेब्राडोर, इसके अलावा जो है गोल्डन रिट्रीवर, इसके अलावा पग, बीगल, इंडियन स्पिट्स, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं, काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं, यानी कि दोस्तों तरह तरह की ब्रीड्स आती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स इनमें ही होती हैं, ये है मोस्ट पॉपुलर ब्रीड। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं जिनको आप रख सकते हैं। अब बात आती है कि फीमेल डॉग रखें या फिर दोस्तों मेल डॉग रखें, तो इसका जवाब एक ही है, दोनों के दोनों आपने रखने हैं, दोनों के दोनों मेल और फीमेल आपने दोनों ही रखने हैं। कोई भी आपको मान लीजिए शो क्वालिटी या वर्किंग लाइन या फिर दोस्तों आपने पोमेरियन सेलेक्ट किया, हस्की आपका इंटरेस्ट है, पग के अंदर इंटरेस्ट है, किसी में भी इंटरेस्ट है, उसका आप मेल और फीमेल
दोनों आप रखें। अब आपके मन में ना डाउट आएगा कितनी रखें, अब ये डिपेंड है ना सिर्फ और सिर्फ आप पे करता है आपका बजट क्या कहता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप लेने जाएंगे तो मैं तो कहूंगा शुरुआत आप एक एक से भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप दो पहले फीमेल ले सकते हैं और मेल का अगर आप रखना चाहते हैं तो बाद में आप ले सकते हैं, दो फीमेल जैसे आपने रख ली। तो मेटिंग के लिए ना क्या है कि आप किसी आसपास के ब्रीडर जो भी होते हैं या आसपास में जिसके पास डोग हैं, पग डोग या पग, आपने जैसे दो फीमेल पग की ली आपने, अब आप देख लीजिए कि आसपास में किसके पास पग का है ना अच्छी क्वालिटी का डोग है, तो उससे क्या है कि उसकी आप मीटिंग करवा लीजिए। उसके बाद क्या है कि आपके इनके पपीज होंगे, इनके पपीज में से आप क्या है कि डोग आप रख सकते हैं, तो आपके पास डोग भी आएगा और फीमेल तो आपके पास थी। तो दोस्तों इससे क्या है कि आप अपना बिजनेस जो है ना बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से कहूंगा कि पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगा दो। ठीक है, आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है तो छोटे लेवल से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसे पार्ट टाइम लेना चाहते हैं, अगर आप पार्ट टाइम लेना चाहते हैं एक फीमेल आप रख लीजिए, उससे क्या है कि थोड़ा बहुत तो आपका खर्चा पानी निकल जाएगा, या फिर दोस्तों उसका खुद का खर्चा तो निकल ही जाएगा इससे। ठीक है, जिससे क्या वो आप पे बर्डन नहीं लगेगी, उसका फीड वगैरह फूड वगैरह जो भी इसका खान पान होता है वो अपने ही इन पपीज से क्या है कि उनका जो कवर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ साथ दोस्तों फीमेल मेल जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही आप रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों बात आती है कि मेल डॉग, अब यहाँ पे ब्रीडर्स जो होते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको ब्रीडर्स के अंदर क्या होता है कि वो मेल डॉग है ना अच्छी क्वालिटी का रखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, रिसर्च, वैसे जैसे मैंने बताया था इसके अंदर रिसर्च करनी होगी, वैसे यहाँ पे भी आपको रिसर्च करनी होगी फीमेल कौन सी आपकी एरिया के अंदर फीमेल कौन सी ज़्यादा है। अब मान लीजिए लेब्रा की फीमेल ज़्यादा है, लेब्रा डॉग जो होता है उसकी फीमेल ज़्यादा है आपके आसपास में, तो आप है ना एक अच्छी क्वालिटी का मेल ले आइए, शो क्वालिटी वाला मेल ले आइए। अब वो क्या करेंगे, वो फीमेल वाले होंगे, आपको सबको बता देना है कि मेरे पास है ना अच्छी क्वालिटी का लेब्रा जो मेल है, तो अब वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी फीमेल्स लेकर आपके पास ही आएंगे। अब यहाँ पे एक प्लान है, वो ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल जो होती है ना फीमेल से ज्यादा है ना मेल कमा के देता है यहाँ पे बिजनेस के अंदर, कोई नहीं बताएगा, आपका भाई आपको बता रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी सक्सेसफुल हों। कोई भी बिजनेस को ना एक बारीकी से समझाना है ना तभी वो बिजनेस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ब्रीडर जो होता है ना वो मेल से ना ज्यादा पैसे कमाता है। वो कैसे कमाता है, मैं आपको यहाँ पे अभी प्लान के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक फीमेल रखी, अब मान लीजिए साल में आप उससे दो बारी क्या की पपीज ले सकते हैं। अब दो बारी में वो ज्यादा से ज्यादा कितने पपीज देंगी, मान लीजिए पांच पांच पपीज या चार चार पपीज, मान लीजिए ऑन एवरेज उसने आपको 10 पपीज दिए साल के। अब वो 10 पपीज मान लीजिए आपके 10,000 के मान लो चले गए, तो उसने कमा के दिए आपको 1,00,000 रुपए। अब यहीं पे आपके पास वो अच्छा क्वालिटी का शो क्वालिटी का मेल है, ठीक है, ये मेल है यहाँ पे आपके पास। अब यहाँ पे क्या है कि मेटिंग के दौरान क्या होता है, इसके अंदर सिस्टम क्या होता है, मेटिंग का सिस्टम भी बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है जिस मेल से करवाने के लिए लेके आते हैं, तो वो जिसके पास मेल होता है, मेल ओनर जो होता है, वो क्या है कि फीमेल वाले से जब उसके पपी होंगे वो एक जो है पपी ले लेता है, ठीक है, ये इसके अंदर सिस्टम रहता है। या फिर दोस्तों इसके बदले वो पपी नहीं, कई होते हैं कि फीमेल लेके आते हैं लेकिन वो कहते हैं मैटिंग में पपी पपी नहीं दूंगा, बाद में एक वो दो मेरे हैं तू पैसा ले ले, तो वो पैसा लेकर भी क्या है कि मैटिंग करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों पपीज वाला सिस्टम ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो पपीज के अंदर क्या होता है कि एक पपी आपको मिलता है, अब मान लीजिए मेल का कम से कम एक मेल से दो फीमेल आपकी मंथ में एक महीने में सिर्फ और सिर्फ दो फीमेल ही मेट हुई, तो यानी कि दोस्तों एक महीने के आपके दो पपी आपके पास 12 महीने हैं, 12 महीने के अंदर आपने क्या है कि 24 पपीज आपको मिल जाते हैं। अब यहां पे 10 पपीज से 1,00,000 रुपए का, 24 पपीज से आपने क्या है कि 2,40,000 रुपए आपने जो है इस मेल डॉग से कमा लीजिए। समझ में आया प्लान आपको, कितना अच्छा प्लान है, ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन आपका भाई आपके साथ शेयर कर रहा है कि ऐसे भी सिस्टम होता है, समझिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेल ही रखें, फीमेल भी साथ में रखनी है, ताकि क्या है कि आपकी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो। फीमेल आपने रखनी है अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, यानी दोस्तों आपके पास अगर फीमेल है ना तो अच्छी क्वालिटी का, किसी के पास अगर मेल है तो वहां से क्या है कि आप एक बार कैसे ना कैसे करके उससे क्या है कि मैटिंग करवा लाइए, तो दोस्तों उसकी जो मैट करवाए हो ना वो अच्छी क्वालिटी का, आपको भी आपको पपी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और आगे जाकर क्या है कि आपकी क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव होती है। यानी कि दोस्तों फीमेल रखी जाती है सिर्फ और सिर्फ अपनी
क्वालिटी प्रूव करने के लिए। तो समझे आप इस प्लान को। तो ये प्लान है भाई साहब आपके सामने, जो कि आपके भाई ने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो एक तो ये प्लान हो गया भाई, मेल डॉग प्लान ये था, यानी कि ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि मिक्स डॉग ब्रीड रखें या फिर एक ही डॉग ब्रीड पे काम करें। मिक्स डॉग ब्रीड का मतलब है कि एक साथ आप मान लीजिए लेब्राडोर भी रख लिया आपने, पग भी रख लिया, इसके साथ साथ दोस्तों आपने गोल्डन ट्रेवल रख लिया, लेब्रा रख लिया, ऐसे आप काम करें, या फिर दोस्तों एक ही ब्रीड, यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टॉय पोमेरियन या फिर पोमेरियन या फिर कोई भी एक ब्रीड पे आप उनको रखें। तो मैं तो कहूँगा ज़्यादातर जो सजेशन मैं दूंगा कि आप रख सकते हैं मिक्स क्वालिटी भी आप रख सकते हैं, यानी मिक्स आप डॉग भी रख सकते हैं या लेब्रा पग कोई भी आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। ये भी प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर भी आप अच्छा खासा जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि आप एक ही ब्रीड के ना राजा बन जाइए, एक ही ब्रीड के ना राजा बन जाइए आप। यानी दोस्तों आपके पास अगर पोमेरियन है, मान लीजिए पोमेरियन है, तो आप पोमेरियन पे ही काम कीजिए, पोमेरियन की क्वालिटी को सुधारने में काम कीजिए, आपका ट्रस्ट बिल्ड कीजिए आप लोगों के बीच में अपना, ठीक है, तब कहीं जाकर फायदा होगा। तो एक ही क्वालिटी पे अगर आप काम करते हैं ना, एक ही ब्रीड पे आप काम करते हैं, तो अच्छा खासा नाम होता है। यानी कि दोस्तों कभी भी सुनने में आएगा ना कोई भी पेट ओनर या कोई ब्रीडर है, भाई पोमेरियन का नाम आया ना, पोमेरियन डॉग कहाँ से लें, तो आपका ही नाम आना चाहिए भाई, इस बंदे से ले लो, इसके पास ना अच्छी क्वालिटी के पोमेरियन मिलते हैं। तो एक ब्रीड पे काम करते हैं ना, तो ये बड़ा फायदा होता है, ट्रस्ट बड़ा बिल्डअप होता है। ये मैंने देखा है कि काफी सारे पंजाब के अंदर या फिर दोस्तों अलग अलग जगह पे वहाँ पे है, तो एक ही ब्रीड पे वो काम करते हैं और एक ही क्वालिटी, एक ही ब्रीड की क्वालिटी इंप्रूव करते जाते हैं, जिससे क्या कि उनका नाम भी है और उनको उन डॉग उस डॉग ब्रीड से उनको जाना जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको भी ना इस एक डॉग ब्रीड से जाना जाए। हालांकि ये भी अच्छा है, मिक्स डॉग ब्रीड भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक भी ध्यान देते हैं ना, तो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ये तो मेरी बात आप ध्यान से समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए आपको क्या है कि एक बात का नोटिस करना है, कि आप ऐसे मत सोचिए कि आप अकेले ही बिजनेस करेंगे और अकेले ही आप बेच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कॉन्टैक्ट बनाने होंगे, समझते हैं, आपको कॉन्टैक्ट बनाने होंगे आपके आसपास में जो भी ब्रीडर्स हैं उनके पास जाइए, आप उनसे कॉन्टैक्ट बनाइए। देखो ब्रीडर टू ब्रीडर ही आपस में क्या है कि सेल आउट होते हैं बाद में पपीज जो है सेल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी ही काफी रहेगी, आपकी जानकारी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों दूसरा ब्रीडर जो है ना वो भी आपके पपी सेल करवाएगा, आप उसके पपी सेल करवाएंगे, कभी आपके पास पपी अवेलेबल होंगे, कभी उसके पास पपी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी जो है ना इनकम, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास पपीज है, आपके पपीज उसने सेल करवाए, तो कुछ कमीशन तो उसमें से लेगा, ठीक है, उसके बने। अब उसके पास पपी है और आपके पास कस्टमर है, तो कुछ कमीशन आप उसमें से ले लेना, यानी दोनों का काम आपका चलता रहेगा। ऐसे ब्रीडर काफी सारे आसपास में आपको मिल जाएंगे, आपके गांव शहर या फिर दोस्तों कहीं भी, ठीक है। तो उनसे आपको जो है कॉन्टैक्ट बना के रखना है। और इसके साथ साथ दोस्तों पेट शॉप्स होती हैं जहाँ पे यह है कि पपी सेल किए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि कॉन्टैक्ट बनाइए आप, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट आपको बनाने हैं, वहाँ से क्या है कि अच्छा खासा आपको जो है बिजनेस मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके माइंड के अंदर एक डाउट आ रहा होगा कि आखिरकार प्लान तो देख लिया हमने, पर फीमेल कितनी रखें और मेल कितने रखें, तो कम से कम कितना रखें। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि कम से कम हम मान लेते हैं एक ब्रीड ले लेते हैं, हम कोई भी एक ब्रीड का राजा बनना चाहते हैं, तो एक ब्रीड ले लेते हैं टॉय पोमेरियन, ठीक है, टॉय पोमेरियन आप ब्रीड ले लेते हैं। अब इसके अंदर आपने रखी दो फीमेल और एक मेल आपने रख लिया। अब इससे क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर टॉय पोमेरियन फीमेल की अगर बात करें, एक फीमेल की बात करें, तो दो से लेकर तीन पपी ये एक बार में लेके आती है, साल में दो बार पपी देती है, तो हम ऑन एन एवरेज दो पपी मानते हैं, चार पपी मानते हैं, यानी कि एक साल के अंदर दो पपी एक बार के अंदर, तो साल के अंदर चार पपी हो गए। दो फीमेल हमारे पास है तो आठ पपी हमें ये देती है, कम से कम आठ पपी ये देती है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों मेल की अगर बात करें, तो मेल की हम मेटिंग मानते हैं कि हमें सिर्फ एक महीने के अंदर एक ही मेटिंग मिलती है, जिससे हमें एक ही पपी मिलता है, तो साल के हमें 12 पपी मिलते हैं, टोटल दोनों को मिला दें तो 20 पपी हो जाते हैं। अब एवरेज प्राइस की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है ठीक ठाक क्वालिटी का टॉय पोमेरियन भी 20,000 का बिक जाता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, टॉय पोमेरियन की शो क्वालिटी है, तो उसका जो रेट है वो 30,000 40,000 50,000 60,000 कहीं होता है कि 1,00,000 तक भी जो टॉय पोमेरियन पपी है वो बिकते हैं, वो लाखों से ऊपर भी बिकते हैं दोस्तों। लेकिन हम ऑन एन एवरेज 20,000 भी लेके चलते हैं एक पपी का प्राइस, तो हमें जो है 20 पपी के 4,00,000 रुपए आप जो है सालाना कमा सकते हैं। आप इसको मंथली आप डिवाइड कर लीजिए, यानी दोस्तों साल का आप जो है 4,00,000 रुपया
इससे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है 4 लाख रुपए एक साल के हमें मिलते हैं, यानी दोस्तों लगभग अगर मंथली निकालें ना तो 33,000 रुपए जो है ऑन एन एवरेज क्या है कि मंथली हमें मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम अगर खर्चा भी माने इसके अंदर से 8,000 रुपए हम हर महीने का खर्चा भी इनके अंदर से निकाल दें, डॉग्स का, पपीज का, जो भी खर्चा है एक्स्ट्रा, जो भी ETC खर्चा है वो निकाल दें, तो 25,000 रुपए जो आप मंथली क्या है कि इन्हीं से 2 फीमेल 1 मेल से आप जो है कमाई कर सकते हैं। यानी ये दोस्तों ये है बिजनेस प्लान। और यहाँ पे क्या है कि और भी ब्रीड काफी महंगी महंगी ब्रीड आती हैं, वो आप रखते हैं तो इससे भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं, और इससे सस्ती सस्ती ब्रीड भी आती है तो उस हिसाब से क्या है कि आप कमाई कर सकते हैं। और इससे ज्यादा आप रख लेते हैं, यानी 2 से आप 4 रख लेते हैं और यहाँ पे 2 मेल रख लेते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी कमाई डबल हो जाती है, और उससे भी ज्यादा रखते हैं तो कमाई 4 गुना कर सकते हैं। यानी दोस्तों जितना गुना आप चाहें उतनी कमाई आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से 2 और 1 से स्टार्ट करके आप क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि अपने जो मेल फीमेल है वो संख्या आप बढ़ा सकते हैं, और उससे क्या है कि क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी के साथ साथ दोस्तों आपकी जो है कमाई भी आपकी बढ़ती ही जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्लान है ना काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों देखा है ना मस्त प्लान, यानी कि दोस्तों किसी के अंडर में आपने काम नहीं करना, खुद अपना बिजनेस करना है, खुद के आप मालिक हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी आपको टेंशन नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों आप खुद का और कोई भी काम कर सकते हैं, और साथ साथ क्या है कि कम से कम आप 25,000 रुपये मंथली आप कमा सकते हैं। इतना तो कोई मतलब अपने सैलरी भी इधर उधर भी जाते हैं तो सैलरी भी इतनी नहीं मिल पाती है 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम करके भी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप शौक के साथ कमाई भी अच्छी खासी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक तकड़ा आपको ना प्लान बताता हूं कि आप ना सोशल जो साइट्स होती है ना, सोशल साइट समझते हैं आप, फेसबुक, ठीक है, MX टकाटक, इसके अलावा जो है यूट्यूब, इनसे आप जुड़ जाएंगे ना तो काफी बड़ा फायदा होने वाला आपको। वहां से तो आप कमाएंगे, इस पूरे प्लान से तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ आप इन सोशल साइट से भी आप कमाई कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको प्लान बताता हूं कि आपको क्या करना है कि जो भी सोशल साइट्स हैं उन पे आपको पेज बनाना है, जैसे कि फेसबुक है तो इस पे आपको क्या है कि अपना पेज बना लेना है। पेज आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी कैसे पेज बनाएं, तो आप क्या है कि वैसे देख देख कर अपना जो है पेज बना लीजिए। आप इस पेज के ऊपर आपको क्या करना है कि अपने जो भी पपीज हैं, डॉग ब्रीड्स हैं आपके पास हैं, उनकी फोटोज वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं, उनकी 3-3 मिनट 4-4 मिनट की आप वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप बता सकते हैं इन ब्रीड्स के बारे में, ठीक है, तो ऐसे क्या है कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है कि आपस में बढ़ जाती है और यहां से भी आपको बिजनेस मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी आप जो है जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे आप फोटोज डालिए, स्टोरीज डालिए। इसके साथ साथ दोस्तों अपने जो भी आपके पास पपीज हैं या फिर दोस्तों उनकी जो खेलने कूदने की जो वीडियोज होती है ना वो भी आप अपलोड कीजिए इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। और ये बड़े बड़े ब्रीडर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े पेट शॉप ओनर ब्रीडर्स यही कर रहे हैं आज के टाइम के अंदर, तो ये सबसे तकड़ा वाला मैं कहता हूं कि आपको फायदा देने वाला है। इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाइए, MX टकाटक, इस पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कीजिए, जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं उनको अपलोड कीजिए, यहां से भी आपको जो है जानेंगे लोग, पहचानेंगे आपको। इसके साथ साथ दोस्तों YouTube पे वीडियोस अपलोड कीजिए, अपना एक खुद का चैनल बना लीजिए, ठीक है, किसी भी नाम से, आपके नाम से आप चैनल बना लीजिए। उसके बाद क्या है कि वीडियोस में देखो आपने काम तो कर ही रहे हैं, ये काम तो अपने कर ही रहे हैं, चल ही रहा है ये काम तो अपना, अब इसके साथ साथ 2 पैसे और बन जाए तो क्या बुरे हैं, बुरे तो नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि YouTube पे आपको अपना चैनल बना लेना है। आप चैनल बनाने के साथ साथ इस पे आप वीडियोस, डॉग्स की वीडियोस अपलोड कीजिए, उनकी उनके बारे में डिटेल आप दीजिए भी, क्वालिटी कैसे चेक करें, ठीक है, कौन सी ब्रीड आपके लिए बेस्ट रहेगी, घर के लिए कौन सी ब्रीड अच्छी है, तो काफी सारे टॉपिक हैं उन पे आप वीडियोस बनाते रहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कीजिए, शॉर्ट्स वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपके मान लो पपीज थे या फिर डॉग हैं वो आपस में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी शॉर्ट्स वीडियो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा उनके बारे में बताकर आप, ठीक है, मोबाइल को आप सीधा पकड़ के क्या है कि उनके बारे में बताइए भी ये डॉग ब्रीड ऐसी है, इस डॉग ब्रीड की खासियत ये है, इस डॉग ब्रीड को कौन कौन रख सकता है, यानी कि सारी की सारी आप वीडियो जो भी बोलकर आप यूट्यूब पे भी अपलोड कीजिए, यहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं पेट्स वगैरह पे, डॉग्स वगैरह पे, तो
तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है इन सोशल साइट से। इसके अलावा भी काफी सारी सोशल साइट्स हैं, उन पे वीडियो अपलोड कर दीजिए। जो वीडियो आपने शॉर्ट्स के लिए यहां बनाए यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाली, वो वीडियो एमएक्स टकाटक पे डाल दीजिए। जो आपने एमएक्स टकाटक पे डाली इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो डाल दीजिए। इसके अलावा जो सोशल साइट्स पे भी आपने यूट्यूब पे जो लॉन्ग वीडियो बनाई थी, मान लीजिए डॉग के बारे में क्वालिटी के बारे में बताया था आपने, लॉन्ग वीडियो बनाई थी, वो ये वीडियो आप ये सोशल साइट यानी कि फेसबुक पे डाल दीजिए। ठीक है भाई साहब, बुरा नहीं है पैसा कमाना यार, यहां से तो पैसा आएगा, पपीज बेचकर तो पैसा आएगा। ठीक है, इस बिजनेस से पैसा आ रहा है तो इनसे भी अगर आता है तो क्या बुरा है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसका बड़ा एक फायदा और बताता हूं आपको। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप पपीज की यहाँ पे यूट्यूब पे टकाटक पे इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह डाल रहे हैं ना, तो उसके पास है ना, आप है ना, आपके पास अगर मान लीजिए पपी अवेलेबल है, आपकी फीमेल ने बच्चे दिए, पपीज दिए, ठीक है, अब उनको सेल करना है। ठीक है, आप क्या है कि उनकी वीडियो बनाकर डाल दीजिए इन सोशल साइट पे। अब उसके बाद क्या है कि आप बोल सकते हैं कि आसपास में यहाँ यहाँ से कोई भी है तो मेरे से क्या है कि पपीज बाय कर सकते हैं, नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर कर सकते हैं, तो इससे क्या है कि आपके पपीज भी सेल हो जाते हैं। और काफी बड़े बड़े ब्रीडर, काफी बड़े बड़े पेट शॉप ओनर यही काम कर रहे हैं, यहीं से बिजनेस ले रहे हैं। आज के टाइम के अंदर है ना, बेचना पपीज सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है, आपको ये कर लेना भाई साहब, मैं कहता हूं कि आप काफी अच्छा खासा पैसा छापने वाले हैं। तो ये तो हो गया ये प्लान। अब बात करते हैं कि डॉग को सेल कैसे करें, सोशल साइट से कैसे सेल करना है, मैंने आपको बता दिया। पेट शॉप ब्रीडर से आप क्या है कि कॉन्टैक्ट बना के रखिए, सोशल साइट से कैसे सेल कर सकते हैं, पेट शॉप पे भी आप सेल कर सकते हैं। मान लीजिए पेट शॉप पे आप बता के आइए भी यहाँ, ठीक है, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनके पास आप फोटो वीडियोस वगैरह सेंड कर सकते हैं। मेरे पास आज के टाइम के अंदर पग फीमेल, आपने जैसे फीमेल ने बच्चे पपीज दिए तो वैसे ही आप उनके पास पोस्ट डाल दीजिए, यानी कि मैसेज कर दीजिए मेरे पास ये पपी अवेलेबल है। तो पेट शॉप वाले 5, 7, 10, 15 जितने पेट शॉप वाले हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट बना के रखिए, तो वो क्या होंगे कि आपके पपी सेल करवाएंगे। उसके अंदर पेट शॉप का फायदा ये होगा कि आपका तो पपी सेल होगा जो आप प्राइस बताएंगे उसमें, मान लीजिए आपने कोई भी पपी सेल किया 10,000 के अंदर, तो वो 2,000 आगे से कस्टमर को ज्यादा बताएगा, वो 2,000 अपना कमीशन कमा लेते हैं, 2,500 जो भी होता है वो अपना थोड़ा बहुत कमीशन कमा लेते हैं, इससे उनको फायदा होता है, उनकी भी दुकान चल जाएगी। आपका तो पपी सेल हो गया, उनकी दुकान चल गई। ब्रीडर से भी ऐसे ही होता है, मान लीजिए कोई ब्रीडर है उसके पास कस्टमर है, लेकिन दोस्तों आपके पास कस्टमर अभी नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपका पपी सेल करवा देगा, वो भी थोड़ा बहुत कमीशन कमाएगा। मान लीजिए उस ब्रीडर के पास कोई कस्टमर नहीं है, उस ब्रीडर के पास पपी है, आपके पास कस्टमर है, तो आप भी कहेंगे दो पैसे उससे कमा लेंगे। यार ये बड़ा फायदा होता है यार सोशल साइट से, मैंने बताई दिया है भाई साहब, जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो इस सोशल साइट से होने वाला है यार। ध्यान रखिए इस बात को यार, मैं कह रहा हूं आपको पूरी की पूरी नॉलेज देने वाला हूं, स्किप मत कर जाना वीडियो को, पूरा प्लान यहां पे बताने वाला हूं। इसके बाद है ना आपको कोई डॉग से रिलेटेड वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं देखनी पड़ेगी, आपका पूरा प्लान है ना आपके सामने होगा अभी के अभी, और पूरा कैसे केयर करनी है वो भी हम बात करेंगे। तो अब बात आती है कि डॉग की केयर, डॉग केयर भी करनी जरूरी है। देखो यार, डॉग रखना एक अलग बात है, उसकी केयर करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहां पे क्या होता है कि डॉग की आपको डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करनी है। डिवॉर्मिंग से आपको बताता हूं कि जब भी आप पपीज वगैरह लेके आए, पपी लेके आए मान लीजिए आप, तो वैसे तो जो पपी बॉर्न होता है, जब जन्म होता है उसका, उसके बाद 15 दिन के बाद एक बार डिवॉर्मिंग की जाती है, तो उसके लिए सिरप वगैरह भी आता है डिवॉर्मिंग का, वो मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। जो पैट शॉप होती है जो कि दवाइयाँ वगैरह रखती हैं, मेडिकल जोन के होते हैं पैट शॉप के, ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि आप जो है बाय कर सकते हैं डिवॉर्मिंग की, ठीक है। ये अब इसके अंदर सिरप भी आता है, सिरप भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि टेबलेट भी आती हैं, वो पर 10 kg यानी कि 10 किलो का अगर वेट है तो उसमें एक टेबलेट दी जाती है, अगर आपके पास 30 किलो का डॉग है तो उसमें 3 tablets आपको देनी होती है। और इसका जो रिजल्ट आपने अच्छा लेना है तो मॉर्निंग के टाइम पे आप अगर देंगे ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। देखिए आपको पूरी डिटेल से नॉलेज दूंगा यार, कहीं मत जाना, बस जुड़े रहिए। अगर बात करें हम वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन जैसे कि हमें कोई बीमारी हो जाती है, जुकाम हो गया, खांसी होगी, बुखार हो गया, ऐसे क्या है कि डॉग के अंदर भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए क्या है कि डॉग का वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होता है। वैक्सीनेशन क्या है कि इसके अंदर साल के अंदर मान लीजिए 3 vaccinations वैसे तो कंपलसरी माने गए हैं, यानी ये गैप में लगते हैं, ठीक है, पहला वैक्सीनेशन लगा उसके बाद 7 दिन बाद एक वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद क्या है कि 21 दिन बाद होगा, ऐसी क्या है कि वैक्सीनेशन का टाइम होता है वो क्या है कि आपके आसपास में जो भी वेट है यानी कि जो डॉग जो होते हैं पैट्स होते हैं उनका जो डॉक्टर होता है तो उनसे क्या है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दे देता है। तो वैक्सीनेशन करवाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताऊँगा आपको, ग्रूमिंग है ना डॉग की वो बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। देखने में अच्छा लाना चाहिए डॉग, ठीक है, देखने में ना मतलब मन मोह जाना चाहिए डॉग से, तो उनकी ब्रशिंग है ना
ब्रशिंग होती है ना बालों पे, अगर आपके पास लॉन्ग बाल वाला लॉन्ग हेयर वाली ब्रीड है तो उसमें क्या है कि ब्रशिंग आप करते रहिए दिन में एक दो बार तो जरूर कर दें, जिससे क्या है कि बालों की गांठें नहीं बनेगी, वरना गांठें बन जाती है तो बाल काटने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आपको ब्रशिंग वगैरह उनकी ना टाइम टू टाइम करनी चाहिए, उनको नहलाएं आप, ठीक है, उनका अलग से शैम्पू आता है, उस डोव शैम्पू से आप उनको नहलाएं। अपने डोव को ना शो क्वालिटी वाला होता है ना, शो क्वालिटी, मैं कहता हूँ शो क्वालिटी वाला डोव बना के रखेंगे ना, आपका डोव पॉपुलर हो जाएगा आपके एरिया के अंदर, ठीक है, और जो सोशल साइट है उन पर तो पॉपुलर हो ही जाएगा आपका डोग, ठीक है। तो शो क्वालिटी वाला डोग आपने बना के रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आती है फीड, भाई फीड कौन सी दें, डोग तो हमने ले लिया, अब फीड क्या दें। तो सबसे पहले एक बात खास करके ध्यान रखना, मेरी बात एक नोट कर लीजिए, डोग को कभी भी मीठा नहीं देना है, मीठा नहीं देना है, दूध भी नहीं देना है। अगर आप दूध देना भी चाहते हैं, मान लीजिए गर्मी है तो उसकी कच्ची लस्सी बनाते हैं ना, जैसे कच्ची लस्सी वैसे, यानी कि ज्यादा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर क्या है कि डॉग को पिला दीजिए, उससे क्या होगी डॉग की जो भी गर्मी होगी ना वो बाहर निकल जाएगी। देखो यार पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, ना तो दिक्कत ही नहीं आएगी, वीडियो देखने जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो वो आप दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों फीड की अगर बात करें, भाई डॉग हमने ले तो लिया, अब फीड कौन सी दें, पर फीड के बारे में बताना चाहूंगा, तरह तरह की मार्केट के अंदर अवेलेबल है फीड, वैसे तो कोई सी मर्जी फीड आप दे दीजिए, सभी फीड है ना अच्छी होती है डॉग के लिए, लेकिन जो अगर आप सस्ता सुंदर और अच्छी फीड की बात करें तो पेडिग्री, आप जैसे कि जानते हैं सभी के सभी, तो पेडिग्री का कोई भी फीड, ठीक है, आप ले सकते हैं, वो भी डॉग ब्रीड्स के हिसाब से अलग अलग फीड्स भी आती हैं, ठीक है, जर्मन के हिसाब से जर्मन के लिए अलग फीड आती है, ठीक है, टॉय पोमेरियन है उनके लिए अलग फीड आती है, तो वो जो भी डॉग ब्रीड आपके पास है तो उसके हिसाब से क्या है कि आप जो है फीड ले सकते हैं, कोई भी फीड आप ले सकते हैं। मैं आपको देखो ये नहीं कहूँगा ये वाली फीड अच्छी वो वाली फीड अच्छी, अपने पॉकेट के हिसाब से, अपना अपना जो भी आपकी मतलब जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से क्या है कि आप फीड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अब आप सोचते हैं कि घर के खाने पर भी डॉग को आप रख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, घर के खाने पे भी डॉग रह जाता है, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा बहुत फीड दे देंगे तो इससे क्या है कि डॉग की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, हेयर ग्रो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, आप डॉग को ना मल्टी विटामिन कैल्शियम जो होता है वो आप दे सकते हैं, जैसे हमारे लिए मल्टी विटामिन कैप्सूल्स आते हैं, कैल्शियम कैप्सूल आते हैं, वैसे क्या है कि डॉग्स के लिए भी सिरप आता है, ठीक है, इसके अलावा मल्टी विटामिन सिरप भी आता है, तो वो क्या है कि आपको इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा डालना होता है क्वांटिटी के हिसाब से, उस बोतल के ऊपर पूरा लिखा होगा डिटेल, ठीक है, स्मॉल ब्रीड के लिए या फिर लार्ज ब्रीड के लिए या फिर मीडियम ब्रीड या फिर टॉय ब्रीड के लिए कितना कितना आपको मल्टी विटामिन देना है, कैल्शियम कितना देना है, वो आप देंगे ना तो आपके जो है डॉग की क्वालिटी ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपकी डॉग को भूख नहीं लग रही है, मान लीजिए डॉग आपने रखा भूख नहीं लग रही उसको, तो उसके लिए क्या है कि लीवर टॉनिक आते हैं डॉग के लिए, लीवर टॉनिक भी आप मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, वो भी आप दे सकते हैं, जिससे क्या है कि डॉग के जो एपेटाइट सिस्टम होता है ना, जैसे अपना पचाने का सिस्टम होता है उनका भी पचाने का सिस्टम होता है, वो भी उनका अच्छा रहता है। दोस्तों फीड का तो मैंने आपको बता दिया, कोई सी भी मार्केट से आप फीड लेकर आ सकते हैं, वो फीड आप दे सकते हैं अपने डॉग्स को। और इसके साथ साथ दोस्तों फीड के साथ साथ दोस्तों आप उनको क्या है कि एग्स वगैरह या फिर चिकन वगैरह या फिर चिकन का पानी वगैरह ये भी आप दे सकते हैं, तो इस बात का भी खास करके ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अब आता है बात आती है फीमेल हीट साइकिल की, यानी दोस्तों अब दिमाग में जो तो रहता है ना डॉग तो ले आए फीमेल आए बिजनेस किया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि डॉग का फीमेल जो होती है उनका हीट साइकिल क्या है, ठीक है। अब हीट साइकिल भी है ना ब्रीड के हिसाब से अलग अलग रहता है, टॉय ब्रीड होती है, स्मॉल ब्रीड होती है, मीडियम ब्रीड होती है, इनका अलग हीट साइकिल होता है, या फिर लार्ज ब्रीड होती है, जियांट ब्रीड होती है, इनका अलग होता है, ठीक है, हीट साइकिल अलग होता है। अब मान लीजिए आपके पास टॉय ब्रीड या फिर मीड आपके पास स्मॉल ब्रीड है तो उसका हीट साइकिल आपको 6 से लेकर 7 महीने के अंदर आपको क्या है कि वो आपको साइन दिखाएगी, यानी कि दोस्तों जो भी बाथरूम करने वाला पार्ट होता है फीमेल का वहाँ से क्या है कि रेड कलर का आपको जो है ब्लड जो होता है ना ब्लड के स्टेन वहाँ से आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीट आ गई, यानी कि फीमेल हीट पे है, ठीक है। अब वहीं अगर लार्ज ब्रीड है जो मीडियम ब्रीड है या लार्ज ब्रीड है जियांट ब्रीड है इनके अंदर क्या होता है कि जो इनका वैसे तो अगर इनका भी हो सकता है कि 6 से 7 महीने में ये भी साइन शो करे, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनका जो है साइन जो है 1 साल पे या फिर 11 महीने या 12 महीने पर भी वो शो करती है, इस बात का भी खास करके ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है कि ये हो गया, अब मेट करवाने का सही टाइम कौन सा है, नहीं तो कब उनकी डॉग के साथ मैटिंग करवाएं जिससे क्या कि रिजल्ट आपको अच्छे मिले, ठीक है। तो मैं तो एक राय देना चाहूँगा, वैसे देखिए ब्रीडर जो भी होता है ना अच्छे ब्रीडर जो भी हैं वो क्या है कि फर्स्ट जो हीट होती है ना, ठीक है, फर्स्ट जो भी हीट आपके पास कोई से
ब्रीड है डॉग्स फीमेल की, तो फर्स्ट जो हीट होती है ना उसको आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए उसको, उस पर आपको क्या है कि उसकी मेटिंग नहीं करवानी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो सेकंड, क्योंकि उस टाइम जो होता है ना फर्स्ट मेटिंग के टाइम पे, फर्स्ट हीट के टाइम पे क्या होती है कि जो फीमेल होती है ना वो रेडी नहीं होती है, उसके अंदर जो होता है ना मदर जो नेचर होता है ना वो होता नहीं है, अभी तो उसमें ही बचपना है, ठीक है। अब ये जो होता है ना एक साल की जब फीमेल हो जाती है ना उसके बाद जो हीट आती है यानी कि सेकंड हीट जिसको बोलते हैं हम, वो आएगी। अब उसके उस टाइम पे क्या है कि उसका जो नेचर है ना वो मदर नेचर हो जाता है, और उसके साथ साथ दोस्तों वो सोचने समझने में लग जाती है यानी यंग हो जाती है वो। अब उसके बाद क्या है कि आप उसका मेटिंग करवा सकते हैं, सेकेंड हीट पे आप उसकी क्या है कि मेटिंग करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको अच्छे हेल्दी हेल्दी छोटे छोटे गोलू मोलू से आपको पपीज मिलेंगे, और उससे क्या है कि आपको अच्छा खासा फायदा भी होगा। अब दोस्तों आपके माइंड के अंदर एक डाउट आ रहा होगा कि फीमेल मान लो हीट पे आई हुई है, पर लेकिन किस दिन उसको मैटिंग करवाएं उसकी जिससे क्या है कि रिजल्ट में अच्छे मिले। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको क्या है कि जो बाथरूम वाला पार्ट होता है फीमेल का, वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जिस भी दिन उसका जो है ना एक साइन होता है ब्रीडर्स का, ये अनुमान होता है यानी कि दोस्तों ये अनुमान रहता है कि जिस भी दिन फीमेल का जो है ना पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का वाटर वहां से निकलता है, यानी कि दोस्तों लाइट पिंक कलर का जो है वहां से जो है पानी निकलता है यानी कि पार्ट से जो बाथरूम वाला पार्ट होता है फीमेल का, तब क्या है कि मेटिंग का सही टाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है उसकी, अगर आप पूंछ के ऊपर यानी कि फीमेल का जो बाथरूम वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आप अगर आप हाथ लगाते हैं और पूंछ वो टेल को अपनी जो है साइड कर लेती है, तो वो भी क्या है कि टाइम जो होता है राइट टाइम होता है मेटिंग के लिए। तो ये दो जो साइन हो गए। इसके अलावा जो अगर दिन की अगर बात करें, जो 11वां दिन होता है ना फीमेल का, जो 11वां दिन होता है, ठीक है, वो मेटिंग के लिए परफेक्ट टाइम होता है, 11वां 13वां दिन, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। आप कितनी बार मेट करवाएं इसके लिए क्या है कि आपको कम से कम क्या है कि अगर आप अवेलेबल है, वैसे तो देखो मेटिंग सक्सेसफुल होनी होगी, ठीक है, तो वो एक बार में भी हो जाएगी, ठीक है, और नहीं होनी होगी तो वो दो बार में भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों फिर भी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कंफर्म प्रेग्नेंट करने के, फीमेल प्रेग्नेंट करने के लिए दोस्तों क्या है कि जो दो बार यानी कि आप मैट करवा लें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। यानी कि पहले आपने मान लीजिए 11वें दिन आपने करवाई, दूसरी आप मैट क्या है कि 13वें दिन पर आप करवा सकते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है कि रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि कईयों के माइंड में होता है कि लोक लगना, जो नोट होता है वो लगना, मेल और फीमेल के बीच में नोट लगता है ना, चिपके रह जाते हैं मेल फीमेल, वो लगना जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन होता है कि जो मेल का जो डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज फीमेल का जो पार्ट है उसके अंदर होना चाहिए, वो मेन जरूरी होता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप खास करके ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, जो अब मान लीजिए हीट पे भी आ गई, इसके अलावा मैटिंग भी होगी, अब कुछ साइन जो होते हैं ना, क्या साइन रहेगा कि हमारी, कैसे कंफर्म करें कि जो हमारी फीमेल है वो कंफर्म प्रेग्नेंट है, उसके साइन क्या रहेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी के साइन क्या रहेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो साइन जो होता है ना, देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है, हाँ बट हल्का हल्का क्या है कि आपको क्या है कि फीमेल के नेचर के अंदर है ना आपको थोड़ा सा चेंजेस आपको नजर आएंगे। फीमेल की जो भूख है यानी कि जो एपेटाइट सिस्टम है, यानी कि दोस्तों जो ज़्यादा खाने की कोशिश करेगी या फिर कम खाने की कोशिश करेगी, या फिर नेचर आपको कुछ हटके सा मिलेगा, या फिर दोस्तों एक फीमेल के अंदर अलग सी चमक रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपके पास फीमेल रही है तो आपको क्या है कि इजीली पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं बताना चाहूँगा 20-25 दिन तक तो कुछ भी पता नहीं चलता है। जब फीमेल आपकी हो जाती है 35 डेज की, कंफर्म प्रेगनेंसी पता करनी है 35 डेज की हो जाती है, तब क्या है कि उसके जो निपल्स आप चेक करेंगे ना, दूध वाले जो निपल्स होते हैं वो क्या है कि लाइट से लाइट डार्क कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और थोड़े बड़े भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि आप एक जस्ट आइडिया लगा सकते हैं, कन्फर्म वहाँ से भी नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो बाथरूम वाला पार्ट होता है ना फीमेल का, वो भी आपको है ना जो नॉर्मल जो था ना उससे क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा क्या है कि सूजा आपको जो है दिखाई देता है, ठीक है, वो भी होता है एक साइन जिससे क्या है कि आपको पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका जो फीमेल का जो स्टोमच होता है, ठीक है, स्टोमच होता है उसका भी हल्का सा आपको क्या है कि बड़ा पेट आपको दिखाई देने लग जाए, नीचे से क्या है कि बड़ा होता जाएगा, वो उससे भी क्या है कि आइडिया ले सकते हैं भी हाँ हमारी फीमेल कन्फर्म है। अगर आप बिल्कुल ही कन्फर्म करना चाहते हैं, बिल्कुल ही मान लीजिए आप कन्फर्म ही करना चाहते हैं भी हाँ पता चलना है, तो इससे क्या है कि आप 35 डेज के बाद एक्स्ट्रा भी आप करवा सकते हैं फीमेल का, उससे क्या है कि बच्चे कितने हैं वो भी पता चल जाएगा, कन्फर्म भी आपको पता चल जाएगा। या इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड जो होता है
फीमेल का, वो भी आप करवा सकते हैं, जिससे भी आपको जो है कन्फर्म पता लग जाएगा कितने बेबीज हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपकी फीमेल कन्फर्म प्रेग्नेंट है, इसका भी आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि फीमेल का नेचर भी चेंज होता है, यानी दोस्तों उसका व्यवहार है ना वो चेंज आपको मिलेगा, नहीं दोस्तों उसकी भूख बढ़ जाएगी, जो भी फीमेल खाएगी वो क्या है कि उसके उसकी हेल्थ पे ना लग के जो बेबीज हैं यानी जो पपीज हैं उसके पेट के अंदर उन पे वो खाना जो है लगता है। तो उसकी डाइट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसको खाने में आप क्या है कि ठंडी तासीर का खाना दें, इसके साथ साथ उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन आपको रखना होता है। और इसके बाद आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल की आपको केयर कैसे करनी है। केयर करने के लिए दोस्तों वैसा कुछ नहीं है, बट इसकी केयर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट जो फीमेल आपकी है, जो डॉग फीमेल है, उसको क्या है सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ने दें, ठीक है, कुर्सी वगैरह पे कूदाएं ना, उसको कूद के ना बैठने दें। और उसके अलावा दोस्तों उसको जो है कुछ ऐसा वैसा कुछ जो गर्मी करता है शरीर के अंदर, जिसकी तासीर गर्म होती है खाने की, वो आप बिल्कुल भी जो है उस फीमेल को बिल्कुल भी ना दें, और उसको ज़्यादा गोद में ना उठाएं, ठीक है, उसको रेस्ट करने दें, ठीक है। ये आप थोड़ा सा क्या है कि केयर के तौर पे आपको ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि जब भी जो फीमेल होती है वो डिलीवरी करने वाली होती है, यानी दोस्तों अब मान लीजिए डिलीवरी का टाइम जो होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो डॉग फीमेल होती है उसके अंदर कितना टाइम होता है जिसके बाद डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो इनका जो होता है 57 से लेकर 63 डेज तक का टाइम होता है। वैसे क्या है कि एक दो दिन ऊपर नीचे भी इसके अंदर हो सकता है, लेकिन यही टाइम होता है जिस टाइम क्या है कि फीमेल जो है डिलीवरी जो बच्चे डिलीवर करती है, वो जो पपीज़ हैं वो डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या है कि जब भी पपी डिलीवर करें तो आपके पास क्या है कि थोड़ा आप क्या है कि क्लिप वगैरह होती हैं इसके लिए, जो इसका थोड़ी सी वीडियोस आपने यूट्यूब पे आपको वैसे मिल जाएगी, ठीक है, वो आप किसी की भी वीडियोस देख सकते हैं कैसे आप पपीज डिलीवर कराएं। वैसे तो देखो दोस्तों उनके अंदर ऊपर से ही है ना, बाय नेचर ही उनके अंदर होता है, वो अपनी बच्चों की केयर खुद पर खुद कर लेती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, फिर भी आप अगर केयर करते हैं ना तो ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलते हैं, वरना क्या होता है कि एक दो पपीज क्या है कि एक्सपायर भी हो जाते हैं, दोस्तों उनकी डेथ भी हो जाती है इस डिलीवरी टाइम के अंदर। तो क्या है कि उनका नाक वगैरह ना, पपीज जब भी वो दे तो उनकी थैली फटाफट से हटा के, जो ऊपर की एक थैली होती है, ठीक है, वो फटाफट से हटा के उसके क्या है कि नोज़ वगैरह आप अच्छे से कॉटन वगैरह से साफ कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ का जो जहाँ पे वो बच्चे डिलीवर कर रही है वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन रखे, सर्दी का टाइम है तो 27 के आसपास क्या है कि टेम्परेचर रखे। उसके पास में क्या है कि आप एक बल्ब लगा सकते हैं, जो 60 वाट का बल्ब आता है वो आप बिल्कुल पास में लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि उसका रूम का टेम्परेचर जो है अच्छा बना रहे। इसके साथ गर्मी का टाइम है तो आप क्या है कूलर वगैरह या फिर दोस्तों पंखे वगैरह चला सकते हैं। आपके रूम का टेम्परेचर क्या है कि मेंटेन रहना चाहिए, 27 के आसपास क्या है कि मेंटेन रहेगा, जिससे क्या है कि पप्पी जो है हेल्दी रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये तो होगी पप्पीज की बात, ठीक है, नोज वगैरह अच्छे से क्लीन करना है। और पप्पीज को क्या है कि कार्टून ले लीजिए, उसके अंदर अखबार के कटिंग वगैरह करके उसके अंदर क्या है कि आप उनको कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं उन पप्पीज को। और जो फीडिंग देनी है पप्पीज को, वो मदर मिल्क ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है, कुछ दिन तक, यानी कि दोस्तों जब तक वो 15-20 दिन के नहीं हो जाते, यानी कि दोस्तों बाद में क्या है कि उनको आप सेरेलेक वगैरह होता है, पपीज़ का सेरेलेक आता है, वो आप दे सकते हैं उनको पपीज़ को, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। मदर फीड तो वो करेंगे, ऊपर से भी उनको क्या है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तब आप उनको सेरेलेक वगैरह भी आप दे सकते हैं, ऊपर से भी थोड़ा बहुत आप खाना दे सकते हैं। उनकी आइज़ वगैरह खुलने का टाइम, यानी कि दोस्तों लगभग 9 से 10 दिन या 12 दिन के आसपास पपीज़ की आंखें जो हैं खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कब इनको बेचें, किस टाइम इनको जो है पपीज़ को सेल करना चाहिए, तो बताना चाहूँगा 35 डेज के हो जाते हैं पपीज़ जब वो ठीक होते हैं, उनकी एज ठीक होती है। वैसे तो देखो 2 महीने के हो जाते हैं तब ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको रहता है तो कम से कम 35 डेज के बाद ही आप पपीज़ सेल करें, जिससे क्या है कि वो एक हेल्दी पपी बन के जाते हैं, और जो भी खरीदने वाले हैं तो भी आप 35 से कम डेज के पपीज़ बाय ना करें। इसी के साथ साथ दोस्तों बात आती है कि जो पपीज होती है उनकी भी केयर करनी जरूरी होती है। यानी दोस्तों पपीज मान लीजिए अभी बोर्न हुए, यानी कि दोस्तों नए नए हैं, तो उसके क्या है कि आप पहले तो उनको मदर जो फीड है ना वो करवाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी वो कुछ दिन के हो जाते हैं दोस्तों, जब भी वो 15 दिन के हो जाते हैं, तो उनकी क्या है कि डिवॉर्मिंग कर दीजिए। पपीज का जो डिवॉर्मिंग करने का सिर्फ आता है, उससे क्या है कि थोड़ा थोड़ा आप उनको पिलाएंगे, एक एक दो दो बूंदी होता है, उससे क्या डिवॉर्मिंग करा देने, जो पेट के कीड़े होते हैं ना वो मुझसे मर जाएंगे और पपीज जो है ना हेल्दी रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जब भी पपीज जो है थोड़े से दिनों के 15 दिन के आसपास या फिर दोस्तों थोड़े ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, तो उनको क्या है कि जो भी फीड वगैरह आप बाहर से करवा रहे हैं उससे थोड़ा सा ग्राइप वाटर आता है,
ठीक है, वो मेडिकल स्टोर से आपको अच्छा सा मिल जाएगा। ग्राइप वाटर आता है जिससे क्या है कि उनका जो स्टोमेच है ना वो पेट दर्द वगैरह होता है, क्योंकि दोस्तों उनके जब न्यू बॉर्न बेबी जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, बेबीज के जैसे दांत उगते हैं तो उनका पेट दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, वैसे ही क्या है कि इनमें भी होता है। जब भी पपीज के दांत वगैरह आने वाले होते हैं, टीथ आने वाले होते हैं पपीज के, तो क्या है कि उस टाइम उनका भी पेट दर्द करता है या फिर लूज मोशन होते हैं। उससे बचने के लिए क्या है कि ग्राइप वाटर आता है वो आप ले सकते हैं, आपको आसानी से है ना मार्केट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों जो आपको मैंने बताया था कि डॉग जो है ना पपीज जो होते हैं उनको आपको सेल करना है, कम से कम 35 डेज का तो आप वेट करें दोस्तों, उसके बाद ही आपको सेल करना है, या फिर दोस्तों बाय भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अब बात आती है, मेन बात आती है कि सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि डॉग प्राइस। अब प्राइस डिपेंड करता है आपके एरिया पे, ठीक है, आपकी जो डॉग की क्वालिटी है, पपीज की क्वालिटी है उस पे, ठीक है, आपका डॉग अगर शो क्वालिटी का है और इसके साथ साथ दोस्तों वर्किंग लाइन में भी शो क्वालिटी होती है उसके अंदर है, तो दोस्तों उसका क्या है कि प्राइस हाई होता है, ठीक है। जैसी क्वालिटी वैसा आपको जो है प्राइस मिलता है क्वालिटी, क्योंकि हर कोई जानता है क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन हो गया सब कुछ और ऑनलाइन में क्या है कि आपको क्वालिटी का पता चल ही जाता है कि अच्छी क्वालिटी के अच्छे पैसे आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं तभी तो मैं आपको बता रहा था कि आप क्या है कि जो भी ब्रीड रखें ना वो अच्छी क्वालिटी के रखें आपके पास, जैसे क्या है कि आपको अच्छा प्राइस मिले, ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं। तो प्राइस की अगर बात करें, देखो कम से कम अगर हम एक अगर ब्रीड की एक ब्रीड को लेकर चलता हूँ, जैसे कि पोमेरियन है, तो पोमेरियन का प्राइस क्या है कि 3,000 से लेकर आपका 7-8,000 या 10,000 या फिर 12,000 तक भी हो सकता है, ठीक है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वैसे टॉय पोमेरियन का रेट 40,000, 50,000, 30,000, 25,000, ठीक है, ऐसे इनका रेट भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों हस्की है, लेब्रा है, जैसे लैब का अगर माने तो 8,000 से 7-8,000, 5,000 से लेकर क्या है कि 15,000 या 20,000 तक भी इनका रेट हो सकता है। जर्मन का भी ऐसा रेट हो सकता है 5,000 से लेकर 30,000 तक, ऐसे भी रेट हो सकते हैं। और कुछ तो ऐसी क्वालिटी हैं जिनके 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 15,000 के डॉग्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इंपोर्ट डॉग का तो उससे भी ज़्यादा रेट होता है, यानी कि दोस्तों जो बाहर वाले देशों से मंगवा के इंपोर्ट करवाया जाता है उनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि डॉग को सेल करने का प्रोसीजर भी होता है, यानी कि दोस्तों कैनल होते हैं डॉग के अंदर, डॉग कैनल होते हैं, उसके थ्रू आप पेपर से लेते हैं, यानी कि पेपर वर्क करके आप डॉग लेते हैं उसका अलग प्राइस रहेगा, विदाउट पेपर वर्क लेते हैं उसका अलग रहता है। तो दोनों तरीके से आप क्या है कि डॉग सेल कर सकते हैं, पर विद पेपर अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर क्या है कि 100% जो क्वालिटी आपको बताई गई है वही पेपर के अंदर होगी और वही क्वालिटी आपको दी जाएगी। पेपर वर्क में इतना होता है, थोड़ा सा प्राइस आपका थोड़ा सा हाई लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपको क्वालिटी वही मिलती है पेपर वर्क के अंदर। विदाउट पेपर भी क्या है कि आपको ट्रस्टेड ब्रीडर है वहां से आप क्या है कि डॉग बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है कि सबसे बड़ा जो इस बिजनेस के अंदर, डॉग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो होता है ना वो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट अगर आप देखो अच्छी क्वालिटी का आपके पास डॉग है और अच्छी क्वालिटी की फीमेल है तो अच्छी क्वालिटी के पपीज होंगे, ठीक है, तो ट्रस्ट तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा कभी भी ट्रस्ट ना तोड़े, यानी कि जो भी कस्टमर हैं आसपास में, जो भी आपके आसपास में जुड़े हुए ब्रीडर्स हैं या आपके सोशल साइट से जुड़े हुए व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोवर हैं, उनका कभी भी ट्रस्ट ना तोड़े, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के अंदर, हालांकि इस लाइन के अंदर क्या कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रस्ट सबसे बड़ा होता है। अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है ना, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपने उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, फिर वो क्या है कि एक कस्टमर दो को लेके आएगा, दो कस्टमर चार को लेके आएंगे, चार कस्टमर आठ को लेके आएंगे, आठ कस्टमर आगे औरों को लेके आएंगे। इससे क्या है कि आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो होता है ट्रस्ट से ही। तो ट्रस्ट कभी भी आपको नहीं तोड़ना है, जो क्वालिटी आपके पास है सच बोल के बेच देना, 2 रुपए कम कमा लेना, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मत तोड़ना किसी का भी, ठीक है। तो ये सबसे खास पॉइंट है ट्रस्ट। तो ये थे कुछ दोस्तों डॉग बिजनेस के ऊपर पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए। मैंने डॉग बिजनेस के अंदर हर एक पॉइंट को कवर किया, केयर कैसे करनी है, यानी कि आप अगर आप जीरो लेवल से भी शुरू कर रहे हैं ना तो भी आप शुरू कर लेंगे। मैंने हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, पूरी की पूरी डिटेल दे दी, ठीक है। अब अगर आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब यार मेरे पास है ना इसका भी कोई इलाज नहीं है यार, आपको बिजनेस करना है ना तो बिजनेस कीजिए, डॉग बिजनेस यार आपका साथ में साथ आपका शौक भी पूरा, बिजनेस का बिजनेस आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं या फिर फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम भी आप कर सकते हैं डॉग बिजनेस के साथ साथ। दोस्तों एक और बात बताता हूँ, आप कैट भी रख सकते हैं, जैसे ये पर्शियन कैट आती है, हिमालयन कैट आती है, अलग अलग तरह की कैट्स आ रही है, उनकी भी आप ब्रीडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम बात करें डॉग बिजनेस की,
पर लेकिन आप कैट का भी बिजनेस इसके साथ लेकर चल सकते हैं, इसके साथ बर्ड्स जो होते हैं ना, बर्ड्स पक्षी होते हैं, उनका भी आप लेकर चल सकते हैं इनके साथ में। इसके साथ साथ दोस्तों और भी तरह तरह के पैट्स आते हैं, खरगोश हो गया, गिनी पिग हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ ये भी आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको ज़्यादा देखो बड़ा मत सोचो, आप सिर्फ डॉग बिजनेस पे करोगे ना, फोकस करोगे तो अच्छा खासा पैसा आप कमा लोगे, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पूरा आपको बिजनेस प्लान दे दिया, और कैसा लगा कमेंट जरूर करके जाना, और इस वीडियो का ना हो सके तो यार अगर अच्छा लगा है, इतनी मेहनत मेरी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा प्लान, है ना मस्त प्लान। देखो डॉग बिजनेस से तो कमाई कर ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी कमाई करना मैंने आपको सिखा दिया। आप मत कहना यार कि अच्छा बिजनेस नहीं बताया, अच्छा बिजनेस प्लान लेके आया हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक फायदा और हो जाता है आपका इसी बिजनेस से, डॉग की वजह से क्या है कि आप भी अपने जो एरिया के अंदर ना पॉपुलर हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको भी लोग जानने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी पॉइंट मेरे से छूट गया है, ठीक है, कोई भी पॉइंट छूट गया है तो दोस्तों कमेंट में क्या है कि एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करना है, ठीक है। कोई भी कमेंट आपको दिखाई दे रहा है जो मैं पॉइंट कवर नहीं कर पाया, तो उसके क्या है कि जो भी कोई किसी का डाउट है तो आप भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना ये इन्फॉर्मेशन, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ना पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है ना वो सारा ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजनेस प्लान है ना और भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।